Hi friends, welcome to All is Well with Ananya. So in today's video, I'm going to show you how to remove facial hair or more precisely your upper lip hair with the help of a spring epilator. Just like threading में जैसे दो thread ऐसे इसको criss cross करके जब when you pull the thread, वो criss cross में ये एक थोड़ा सा gap बन जाता है. उस gap में hair को फंसाया जाता है and then it is plucked. So the hair comes directly from its root. The same working mechanism. See, this is a spring. इसमें gap है. इसमें हमारा fine hair और facial hair, it comes in between the spring. And जब हम इसको ऐसे rotate करते हैं, तो वो spring में वो बाल फंस के, and जब हम लोग pressure देके उसको ऊपर करते हैं, then that hair just gets extracted from its root. So this is a very easy and convenient method to pluck out your hair. I'm quite curious about this. I did not try it on my upper lip. मैंने अभी दोपहर को I was just experimenting with it and I plucked out all my hair in my chin area. And frankly speaking, threading करने के time पे आपको जैसा pain होता है, इसमें भी exact वैसा pain होगा. Not more, not less. Now I'll show you how to work with it. You have to hold it with both your hands like this. Okay. I just bring the camera closer to my upper lip area so that you can see my hair growth. I have quite a lot of hair at the moment. So I've watched quite a lot of YouTube videos and usme maximum YouTubers had suggested ki yahan pe talcum powder deke you can remove your hair. But for me personally, I'm not quite comfortable using a talcum powder. I somehow feel that if I use an aloe vera gel, it soothes my skin and mujhe pain kam hota hai. What I'll do now is, I'll just hold a mirror in front of me so that I can see my hair growth. I'll apply some aloe vera gel like this. Now, you have to hold the epilator like this. And, मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कोई भी वीडियो में मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि इसको किस साइड घुमाना है. All the YouTubers were like कि इसको ऐसे पकड़ के आपको ऐसे रोटेट करना है. रोटेट इन विच साइड? लाइक मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, ये स्प्रिंग में मेरे बाल आ ही नहीं रहे थे. देन आई रियलाइज कि इसको पकड़ के आपको टुवर्ड्स योर सेल्फ यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, नॉट क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज करोगे तो ये बाल फंसेगा नहीं. आपको ऐसे पकड़ के नीचे से ऊपर के साइड जाना है, टुवर्ड्स लाइक ऑपोजिट योर हेयर ग्रोथ, एंड इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है. सो जस्ट होल्ड इट लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ. ओह गॉड, इफ यू कैन सी इट, नीचे के साइड में इफ यू कैन सी हियर. थ्रेडिंग के टाइम पे जैसे ऐसे हम लोग टंग रख के जैसे हम लोग स्किन को स्ट्रेच करके हेयर रिमूव करते हैं, मैं वैसे ही करूंगी. बट इट डेफिनेटली वर्क्स. पूरा रूट से सारा हेयर, इफ यू कैन सी इट ऑन द कैमरा, ये पूरा रूट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है. इफ यू कैन सी, ये पूरा रूट से आ रहा है. गाइज, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल विद दिस. मैं आज ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूं. आई थिंक इट गेट्स परफेक्ट विद प्रैक्टिस. कितना अच्छे से काम कर रहा है. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड. जस्ट सी, जस्ट लुक एट द एपिलेटर, इट्स फुल ऑफ हेयर. तो मुझे ना पार्लर में भी बहुत दर्द होता है. मैं अभी तक पार्लर में जाके चिल्लाती हूँ, दीदी धीरे करो धीरे करो. तो फॉर मी इट्स ओके.
आप लोगों को कैमरा पे दिख रहा है मेरा इस साइड का बाल ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पे बाल है ही नहीं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे है। आई एम गोइंग टू अप्लाई सम मोर एलोवेरा जेल। गाइज ये फर्स्ट एक दो बार करोगे तो आपको पेन होगा, लिटरली पेन होगा, बट आई थिंक ये भी जैसे थ्रेडिंग करते करते हमारा पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो वैसे ये भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो पेन नहीं होगा। जैसे मुझे, मैं जब पहले स्टार्टिंग में कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट अभी थोड़ा सा ईजी लग रहा है। थोड़ा सा रह गया है बस यहाँ पे। अगर आपको टैल्कम पाउडर लगा के हेयर रिमूव करना ज्यादा इजी लगता है तो आप टैल्कम पाउडर लगाना, मुझे एलोवेरा से ज्यादा इजी लगता है, पर एलोवेरा जेल से एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत फिसल रहा है। आई थिंक आउच, ओ गॉड, आई थिंक ये हो चुका है क्योंकि अभी थोड़ा सा भी बाल नहीं फंस रहा है स्प्रिंग के अंदर। सो आई अज्यूम दैट इट इज ऑल क्लीन एंड डन। आई शो यू द क्लोज अप, इट इज नाइसली डन, एकदम परफेक्टली सारा हेयर रिमूव हो गया है एंड पेन एकदम जैसे पार्लर में लगता है सेम टू सेम। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर इट। मैं और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लूँगी ताकि कोई रैशेज वगैरह ना आ जाए। इफ यू वॉन्ट आप लोग आइस क्यूब्स भी लगा सकते हो। And I would suggest not to try the spring epilator on your cheeks यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा sensitive area होता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी wrong method में, थोड़ा सा भी wrong way में आप आपके बाल pull कर देते हो then यहाँ पे बहुत ही गंदा rashes आ जाते हैं, white hairs आ जाते हैं, painful white hairs, पूरा ये आपका भर जाएगा यहाँ पे with small tiny white hairs and वो बहुत ही ज़्यादा painful होता है एंड वो ठीक होने में महीनों लग जाता है। like, मैंने पार्लर में जाके थ्रेडिंग कराया था अपने फेस का, इस पोर्शन में लाइक इट वॉज लाइक हेल, टू मंथ्स लगे थे पूरा ये कम्प्लीट ये रैशेज जाने में, जबकि मेरा सेंसिटिव स्किन है ही नहीं, मेरे स्किन में हार्डली कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो हियर्स अनदर टिप, अगर आपका स्किन सेंसिटिव हो देन इसको एकदम से ट्राई मत करे, आप पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट यानी आप इस एरिया में ये थोड़ा सा यूज़ करके देख सकते हैं, 2 डेज तक वेट करें, यहाँ पे अगर कुछ रिएक्शन या इरप्शंस नहीं आता है देन यू कैन थिंक ऑफ ट्राइंग इट। एंड ऐसे भी अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो कि कुछ भी आप लोग ट्राई करते हो एंड उसमें दाने आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, आई वुड सजेस्ट नॉट टू ट्राई इट। नाउ अबाउट द स्प्रिंग एपिलेटर, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन में आपको 99 to 200 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड्स का मिलेगा। आई डोंट पर्टिकुलरली रिमेंबर द ब्रांड बट इसका आई थिंक 99 रुपीज़ कॉस्ट था। सो दिस इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव और ऐसा भी कुछ नहीं है कि यूज़ करते करते इसका धार चला जाएगा या समथिंग, इट इज़ अ स्प्रिंग, तो आप एक बार ये खरीद लो, सो दिस इज़ फॉर लाइफ, यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। बस आफ्टर यू फिनिश वर्किंग ऑन इट को अच्छे से धो के रख दे एंड नेक्स्ट टाइम आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज यू आर extracting the hair right from its root, ये बहुत जल्दी वापस भी नहीं आएगा। So I hope आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा, if yes then please comment करके मुझे बताएं। If you have more video ideas then also please let me know। I'll meet you guys in my next video।